हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे, मस्त से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम सार्थक अंक की चर्चा करेंगे। सार्थक अंक जो होती है, एक वैज्ञानिक रिपोर्टिंग क्या की माप होती है, यानी एक अभिलिखित वैज्ञानिक क्या होती है, माप होती है, जिसमें निश्चित एवं अनिश्चित अंक दोनों होते हैं। ये सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। ये सभी क्या होते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक जो होते हैं वो प्रिसीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब है कि जो आपका एक्चुअल जो मान था, उस मान से क्या होंगे, उस मान से, उसी मान के अगर आसपास अगर जो मान आ रहे हैं, जो उसके आसपास जो मान आ रहे हैं, उस सभी का औसत मान जो होते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं? प्रिसीजन कहलाते हैं। और प्रिसीजन जो होते हैं, किसी का प्रिसीजन जितना ज़्यादा क्या होगा, अधिक होगा, जिसका परिदृश्य जितना ज़्यादा अधिक होगा, जिसकी विश्वसनीयता जितनी ज़्यादा अधिक होगी, वो क्या होगा, उसमें सार्थक अंक की संख्या क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सार्थक अंक अगर संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उसकी विश्वसनीयता क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, और वो उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रिसाइज होंगे, मतलब परिदृश्य होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप डिफिनेशन तो आप समझ लिए कि किसी अभिलिखित वैज्ञानिक माप में मौजूद निश्चित अंक एवं अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक हम SF द्वारा स्विच करते हैं। SF क्योंकि देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर है, तो SF द्वारा स्विच किया जाता है। इस सिग्निफिकेंट फिगर को हम सर्टेन मतलब क्या निश्चित अंक, और दूसरा फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट मतलब प्रथम अनिश्चित अंक के नाम से हम जानते हैं। यानी ये निश्चित भी हो सकते हैं और क्या, अनिश्चित भी हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बात बोलूं कि अगर ये मैं कमरे में पढ़ा रहा हूं, इस कमरे की अगर लंबाई 2 मीटर है, ये पहला हमने प्रयोग में रियल ये कितना है, ये है। दूसरा में देखा जाए कि मैंने मेजर किया कि 10 पॉइंट का 2 था, दूसरा में मेजर पाएगा कि नहीं, इस कमरे की लंबाई 10.25 है, ठीक है, ये मीटर में। एक इसी को मैंने दूसरा कोई मेजरमेंट किया, उसका नाम कितना, 2.57 किया, ये मीटर में आ गया। आप बताओ इसमें सबसे बेहतरीन सार्थक अंक किसके पास हो गए, इसमें सबसे ज्यादा एग्जैक्ट मान कौन देगा, ये देगा कि ये देगा कि ये देगा। तो आपको पता चलेगा कि सबसे अगर बेहतरीन कोई माप देने वाला है तो आपका ये होगा। क्यों? इसमें सार्थक अंक की संख्या क्या है, ज्यादा है, यानी इसमें विश्वसनीयता क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कोई भी वैज्ञानिक माप के द्वारा मापा गया है, उसकी माप जितनी ज्यादा दशमलव के बाद जितनी ज्यादा अंक अगर आएगी, जितनी ज्यादा अंक हो, वो सोचिए कि उतनी ही ज्यादा उसके पास क्या है, प्रिसीजन, उतना ही ज्यादा प्रिसाइज है, उतना ही ज्यादा परिदृश्य। ये हमारा ज्यादा सार्थक अंक इसमें है। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उसकी विश्वसनीयता क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा विश्वसनीयता होगी उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो इसमें ये ज्यादा प्रिसाइज होगा कि ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा, यानी विश्वसनीयता इस पर ज्यादा होगी कि इस पर ज्यादा होगी कि इस पर ज्यादा होगी। तो स्वाभाविक है भाई कि इसमें कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब है इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर कितना, 1, 2, 3, 4, यानी आप देखोगे SF यहाँ कितना हो गया, तो आप बोलोगे 4 हो गया। यहाँ पर कितना है, 1, 2, 3, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। तो आपने देखा कि सार्थक अंक जिसमें जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा विश्वसनीय होगा, और जो जितना ज़्यादा विश्वसनीय होगा वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, उतना ज़्यादा परिदृश्य होंगे। ये तो आपके एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया। लेकिन अब हम बात करें सार्थक, मैं इसके द्वारा मैं क्या लिख रहा हूं, सार्थक अंक की माप विश्वसनीयता को सूचित करता है। जो जितना ज्यादा विश्वसनीय होगा वो क्या होगा, उसका सार्थक माप उतना बेहतर होगा। अगला पॉइंट है, किसी रिपोर्टिंग माप में, यानी किसका कौन रिपोर्टिंग है, सार्थक अंक हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और किस में, वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं। तो किसी अभिलिखित वैज्ञानिक माप में सार्थक अंक की संख्या जितनी अधिक होती है,
माप की विश्वसनीयता उतना अधिक होता है। तो इसमें कितने हैं? तीन हैं, इसमें कितने हैं? चार है, इसमें कितने हैं? पांच है। इसमें ज्यादा विश्वसनीयता कौन दिखाएगा? ये दिखाएगा ना। तो ये आपका ये ज्यादा क्या होगा? विश्वसनीयता को सूचित करेगा, ये ज्यादा अधिक विश्वसनीय होगा। इसको नोट करें। अब हम बात करने वाले हैं कि मैंने क्या बोला कि जिस माप में सार्थक अंक की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ही ज्यादा का प्रदृश्य होंगे यानी प्रिसाइज होंगे, और जो जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? विश्वसनीय होगा। तो मैंने क्या लिखा कि अगर सार्थक अंक की संख्या बढ़ रही है तो परिदृश्य होंगे, या परिदृश्य होंगे तो क्या विश्वसनीय होंगे। यानी आप या मैंने समझ लिया कि सार्थक अंक होने के लिए निश्चित और क्या अनिश्चित, लेकिन अनिश्चित में इसके मानों में हम क्या कर सकते हैं? एक जोड़ और घटा सकते हैं जो अपने आप में एग्जैक्ट मान क्या होंगे? वो दो संख्याओं के बीच में क्या होंगे? मौजूद होंगे। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा जाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि 6.023 ये आपने नंबर देखा, तो ये फर्स्ट जो लेटर वे का हो गया ये आपका अनिश्चित होंगे, एक करके हम लोग समझते हैं। तो अगर यहां पर मैं लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूं 6.02 और प्लस क्या, यहां पर ये जो आपको 3 दिख रहा है ये 3 या पॉइंट मतलब 3 ही है, ये आपका क्या निश्चित अंक है, ये क्या है? ये निश्चित अंक है, ये निश्चित है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है 3 ये क्या है? अनिश्चित है। जितने भी अनिश्चित मान होते हैं उसमें हम एक जोड़ भी सकते हैं और क्या घटा सकते हैं जो एग्जैक्ट एक रियल मान के बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके जो मान दिख रहा है तो ये ज्यादा प्रिसाइज इसमें कौन है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। जरा समझिए कि अगर मान लीजिए कि अगर हम इसमें ये जो आपका वैल्यू आया है उसमें अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं या एक घटा लूं तो ये क्या होने वाला है? तो यहां से दो बातें आपको दिखेगा। आप देखिए, तो अगर मैंने ये नंबर जो आया है इसको अगर इसमें से मैं एक घटाऊं 6.023 प्लस 1, तो आप लिखोगे 0.00 क्या है 1 है, यहां पर मैंने इतना जोड़ा, तो आप यहां देखोगे ये क्या हो जाएगा 6.023 के जगह आप क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। लेकिन अगर इस नंबर में 6.023 में से अगर मैं 0.1 घटाऊं, कितना 0.001 अगर घटाऊं तो ये हो गया 6.02 और क्या 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जरा आप देखिए यहां पर ये जो मान हो गया ये दोनों का क्या होगा? औसत मान हो गए। ये क्या हो गया? दोनों का औसत मान हो गए, जो एग्जैक्ट मान के क्या होंगे? बराबर होंगे, जो एग्जैक्ट मान के यहां पर बराबर होंगे। तो अब जरा यहां देखिएगा कि यहां पर 0.021 है, उसके बाद ये क्या होता, बीच में अगर होता तो क्या होता, क्या होता 6.02 क्या 3, और ये क्या होता 6.024। अगर मैंने 0.001 मैंने जोड़ा और 0.100 मैंने घटाया तो आपने देखा कि इस मान के ये जो आपको मान दिख रहा है इसी मान के इर्द गिर्द है ये वाला और ये वाला, जिसमें इसमें एक कम है और इसमें क्या होगा एक ज्यादा है, इस तीन से एक ज्यादा है, इसमें 3 से क्या है कम है। तो ये जो मान होते हैं उससे एक ज्यादा ये क्या होंगे एक कम होंगे, तो ये इसमें ज्यादा क्या सार्थक अंक कौन होंगे, ये सॉरी ज्यादा इसमें प्रिसाइज कौन होंगे, ये वाला मान, क्योंकि एक दूसरे के का बहुत करीब है और इसको जोड़ा जाएगा तो इसका मेन पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा ना, यानी सत्य मान क्या आएगा, ये आएगा, ये ज्यादा। यानी यहां से हमको क्लियर हो गया कि सार्थक अंक में निश्चित और अनिश्चित मान बहुत मायने रखते हैं, यानी निश्चित और अनिश्चित मान दोनों क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ गए होंगे। इसके नियम देखते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, आइए अब हम बात करने वाले सार्थक अंक का निर्धारण। तो सार्थक अंक में हम बात करते हैं जितने भी अशून्य अंक होते हैं सब सार्थक अंक होते हैं। अशून्य का मतलब है जो जीरो नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम लिखे थे कितना 2.3567। अब हम बात करें इसमें कितने सार्थक अंक है, आप गिनो 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 5 हो गया। अगर मैं बोल दूं कि 2.05678 इसका सार्थक अंक कितना हो गया,
तो इसका जो सार्थक अंक हो गया एस एफ जो हो गया ए कितना होगा आपका कितना 1 2 3 4 5 6 ये कितना होगा 6 हो गया। यानी जितना ज्यादा अगर क्या हो गया अंक होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी सार्थक अंक की संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी सार्थक अंक की संख्या कहलाएगी। तो अगला पॉइंट बात कर रहे हैं अशून्य अंक के बाईं ओर क्या बात बोल रहा हूं अशून्य अंक के बाईं मतलब पहले स्थित शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जो भी अशून्य होगा उसके बाईं ओर जो रखा जाएगा वो कभी सार्थक अंक नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि 0.0023 तो ये क्या होगा ये अशून्य अंक है। ये क्या है अशून्य अंक है। इसके बाईं ओर अगर कोई भी अगर आएगा वो कभी सार्थक अंक नहीं होंगे। इसमें कितने अंक है एक दो ना ये इसका सार्थक अंक क्या कहलाएगा दो कहलाएगा। अगर 0.03579 ये सार्थक अंक इसके कितने हैं तो आप खुद बताओ कितने हैं। इसका सार्थक अंक जो होंगे कितने होंगे 1 2 3 4 5। तो अगर इसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं जब भी काउंट करेंगे तो किसको करेंगे 1 2 3 4 ये कितना हो गया 4 हो गया। मैं दूसरा दे दूं कि 0.00034 इसका सार्थक अंक कितना होगा आप बताओ एक दो ना तो दो होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो है दो अशून्य अंकों के बीच स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि 1.035 तो ये जीरो जो ये सार्थक अंक कहलाएंगे इसका मतलब सार्थक अंक क्या कहलाएंगे ये क्या होंगे चार कहलाएंगे। अगर मैं बोलूं 2.3509 इसका सार्थक अंक क्या कहलाएगा इसका सार्थक अंक क्या होगा 1 2 3 4 5 ये क्या होंगे 5 होंगे। मैं लिख दूं कि 2.0003 ये सभी सार्थक अंक कहलाएंगे तो इसका एसएफ क्या होगा एसएफ जो होगा 1 2 3 4 5 क्या होगा 5 होगा। तो सार्थक अंक का कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगला पॉइंट है कि दशमलव बिंदु के दाहिने स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं लेकिन अन्य संख्या में स्थित शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं आपसे मैं पूछूं कि बताओ 10.00 तो सार्थक अंक कितने होंगे तो आप 1 2 3 4 आपका लिखोगे 4। अगर मैं लिखूं 2.005 सार्थक अंक कितने होंगे या 0 क्यों लिखते हैं सार्थक अंक कितने होंगे तो आप क्या बोलोगे सार्थक अंक कितने होंगे 4। अगर मैं लिख दूं 3.00000 बस इतना ही रहने दे इसके सार्थक अंक कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। लेकिन यहां ध्यान देना इसमें मैंने बात किया लेकिन अगर मैं लिख दूं 1000000 इसका सार्थक अंक कितने होंगे तो जरा सोचो क्या करता है लेकिन अन्य संख्या में स्थित शून्य कोई आदर संख्या हो जाए उसमें अगर शून्य स्थित होगा उसके सार्थक अंक नहीं होंगे शून्य जो होंगे सार्थक नहीं होंगे क्या होंगे ये केवल एक जो होगा यही आपका क्या होगा सार्थक अंक होगा। अगर मैं लिख दूं 20,000 में लिख दूं तो इसका सार्थक अंक क्या होगा इसका सार्थक अंक क्या होगा दो होगा ये केवल दो होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तविक संख्याओं में अनंत सार्थक अंक होते हैं कोई भी अगर वास्तविक संख्या होती है उसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं क्यों जैसे मैंने दो लिख दिया ये दो तो इस दो को मैं चाहूंगा तो 2.00000000 मैं अगर चाहूं जहां तक वहां लिख सकता हूं ना तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे अनंत सार्थक अंक होंगे। मैं अगर लिख दिया 3 तो इसको लिख 3.00000000 इसमें कितने होंगे इसमें भी कितने होंगे अनंत होंगे कितने होंगे अनंत सार्थक अंक होंगे। अगला पॉइंट है कि 0 से 9 तक के अंक सार्थक अंक होते हैं 0 से 9 तक के अंक सार्थक अंक होते हैं लेकिन 10 के घात वाले n सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर मैं बोलूं कि बताओ 1 क्या है तो बोलोगे सर इसका सार्थक अंक क्या होगा 1 होगा। 2 क्या है तो इसका सार्थक अंक कितना होगा इसका सार्थक अंक कितना होगा 2 होगा। 9 क्या है तो इसका सार्थक अंक कितना होगा सार्थक अंक क्या होगा सॉरी 1 होगा।
तो यहाँ एक है, यहाँ पर अगर दो है तो मतलब क्या, यहाँ भी एक होगा, तो जितने हैं सब सार्थक अंक होंगे। लेकिन कहा था दस के घात कभी सार्थक अंक नहीं होंगे। अगर मैं बोलूँ कि बताओ 10^2 इसका सार्थक अंक कितना होंगे, एक होंगे। अगर मैं बोलूँ कि 10^4 इसका सार्थक अंक कितने होंगे, एक ही होंगे। पावर में कुछ भी हो जाए उसका सार्थक अंक क्या होगा, जिसके साथ रहे एक है, एक ही हो जाएगा। ये पावर से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।